नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फोटो देवी है। इंडियन बेबी फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फिर आए हैं एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो को हमारे लास्ट तक देखें, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों आज हम आप सबको वो पेड़ दिखाएंगे जो कि हमें देखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना हम इसका वीडियो बनाएं। आज हम उस पेड़ के पास आ चुके हैं, तो आप सबको दिखाते हैं। जो है आप सब पास से देख लीजिए, तो ये है कदम का पेड़। तो इसमें जो है कदम बहुत पूरी तरह से खुला हुआ है, आप सब देख लीजिए इसके कितने किन्ने कितने सुंदर, कितने मुलायम इसके फूल हैं। देखने में बहुत शौकीन लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी मुलायम है, जो चौक चौक तक इसके मुलायम हुआ है। आप सब देख लीजिए पास से, बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये है कदम का फूल और ये है जो है कदम का फल, आप सब पास से देख लीजिए। अब हम दिखाते हैं पका हुआ कदम। चलते हैं, थोड़ा सा झाड़ के अंदर है, आप सबको दिखा देते हैं। तो आप सब पास से देख लीजिए, ये है पका वाला कदम। तो पके कदम को हम कच्चा पक्का मिलाकर तोड़ेंगे और पकने के बाद बहुत ही आसानी जो है टूट जाता है। सब आगे देख लीजिए, पकने के बाद बहुत ही आसानी जो है टूट जाता है। आप सब देख लीजिए बहुत ही अच्छा पका हुआ है। देखिए छोटे छोटे फल भी लगे हैं हुए हैं इसमें। और ये जो पका हुआ है इसे हम तोड़ लेंगे क्योंकि इसी का हमें रेसिपी बनाना है। तो इसी तरह जितना हो सकता है उतना कदम हम ढूंढ ढूंढ कर तोड़ लेंगे। थोड़ा हमें पक्का कच्चा दोनों मिलाकर लेना है रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए इसी तरह हम इकट्ठा कर लेते हैं तोड़कर। तो दोस्तों फूल हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा हम फूल भी तोड़ लेंगे। और दोस्तों ये फल, इसका फल जो है बहुत जल्दी खराब हो जाता है, फूलता है, फटता है, उसका पकने के बाद तुरंत खराब हो जाता है। तो कदम का पेड़ ऊंचाई पे है, तो कदम के तोड़ने के लिए जो है हम यहाँ पे हमने एक लतेर का डंडा लिया हुआ है, यहाँ पे हमने लतेर का किल्ली बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हमने जंगली घास का रस्सी बनाया हुआ है, तो इसी से हम बांधेंगे और कदम को हम तोड़ेंगे। ये बहुत मजबूत पड़ता है, बिल्कुल रस्सी जैसा काम करता है। किल्ली को बांध कर हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम गठी बांध देंगे ताकि किल्ली हमारा छूटे ना। तो ये हमारा लगी तैयार हो गया है कदम तोड़ने के लिए। तो चलिए हम कदम को तोड़कर इकट्ठा करते हैं रोटी बनाने के लिए। और दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो पके कदम को तोड़ने के लिए यहाँ पे हमने लगी लगाया हुआ है। तो चलिए कदम को हम तोड़ लेते हैं। वो गिर गया पानी में, उसे हम नहीं खाएंगे, पानी साफ नहीं है, गंदा है। कदम देखिए झाड़ पे जो है रुक गया है, तो इसे हम उठा लेंगे। तो जितना हो सकता है उतना कदम हमने तोड़ लिया है, चले हैं घर जहाँ पे हम बनाएंगे रेसिपी। तो आप सब देख सकते हैं कितना अच्छा, कितना सुंदर सुंदर लग रहे हैं इसके फूल और फल। बहुत ही अच्छा लग रहा है, पहली बार हम कदम की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा है कदम, आप सब चारों तरफ से देख लीजिए। तो इधर हम पहुंच गए हैं बंडे के खेत में, काफी देख सकते हैं बहुत ही हरा भरा बंडे के पत्ते हैं। तो बंडे के पत्ती को हम काटेंगे। तो जितना सका है उतना बंडे के पत्ते हमने ले लिए हैं, चल रहे हैं घर जहाँ पे बनाएंगे रेसिपी। तो अरबी के पत्ते में जो डंठल है टाइट वाला नीचे, इसे हम चाकू से निकाल देंगे और इसे हम पानी में रख देंगे धोने के लिए। तो अरबी के पत्ते को हम पानी में अच्छे से धुल लेंगे। तो इसे हम एक पानी से फिर धुलेंगे।
तो यहाँ पे हमने भगोने में पानी लिया हुआ है और इसे हम एक दूसरे बर्तन में रख देंगे। तो अब हम कदम को धुलेंगे। अब हम कदम के जो है ऊपर का हिस्सा उतार लेंगे, तो नीच के नीचे थोड़ा टाइट होता है उसे हम रख देंगे। तो इसी तरह हमें चारों तरफ से घुमा घुमा कर चाकू से इसको निकाल लेना है। तो थोड़ा सा काला दिखाई पड़ा है तो इसे हम निकाल देंगे। तो इसी तरह हम इकट्ठा कर लेंगे। तो दोस्तों जो कदम होता है बच्चे इसे बहुत तेजी से खाते हैं। पकने के बाद इसका ऊपर का जो हिस्सा होता है मुलायम होता है वहीं खाते हैं, जो नीचे का गूदा होता है मोटा वाला ये टाइट होता है तो इसे नहीं खाते हैं। तो अभी हमने जो काट रही हूँ ये कच्चा और पक्का दोनों है, पक्का नहीं है। कदम के गूदे को हम मिक्सी जार में डाल देंगे। तो अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा अदरक, अदरक को हमने थोड़ा सा दरदरा कूटा हुआ है, और इसी में हम डाल देंगे दरदरा कूटा हुआ लहसुन, हरा मिर्चा, नमक स्वाद अनुसार। तो अब इसमें हम डाल देंगे पुदीने की हरी पत्ती। तो इसे हम ढक्कन बंद करके इसे हम पीस कर तैयार कर लेते हैं। चटनी को हमने पीस लिया है तो इसे हम एक बर्तन में निकाल देंगे। तो बहुत ही अच्छा हमारा जो है कदम का चटनी बना हुआ है, आप सब पास से देख लीजिए। तो अब हम अरवी के पत्ते को चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, पतले पतले पीस में काटेंगे, तो बड़ा नहीं काटना है। और दोस्तों अरवी के पत्ते से आप कई रेसिपी बना सकते हैं, इसका पकौड़ा भी बना सकते हैं, इसका ग्रेवीदार भी सब्जी बना सकते हैं, इसके जड़ का जो जड़ होता है जो उसका भी जो है सब्जी बना सकते हैं, रसेदार बनता है, उबाल कर लोग खाते हैं व्रत में, इसका पत्ती जो है बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसी तरह से हम बाकी के और पत्ते काट लेंगे। तो यहाँ पे हमने 5 पीस प्याज लिया हुआ है, प्याज को हम बारीक बारीक काट लेंगे इस तरह से। प्याज को हमने काट लिया है तो अरबी के पत्ते में प्याज को भी हम डाल देंगे। और अरबी के पत्ते को हमने एकदम बारीक काटा हुआ, आपसे पास से देख लीजिए एकदम बारीक काटा हुआ है पतले पतले पीस में। तो अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन जो हमने ददरा कूटा हुआ था, तो इसमें हम डाल देंगे अदरक। अब इसमें हम डाल देंगे मिर्चा। अब इसमें हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे। तो 1 चम्मच हम डाल देंगे कदम की चटनी, क्योंकि कदम की चटनी जो होती है बहुत ही इसमें खट्टास होता है, काफ़ी जो है विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। तो आप इस जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम अरबी के पत्ते के पकौड़े बनाने जा रहे हैं तो अरबी का पत्ता जो है थोड़ा सा घर में खुजलाहट लाता है। तो अगर इसमें आप नींबू का रस डाल देंगे और कदम की चटनी डाल देंगे तो आपका जो है खजुराहट बिल्कुल नहीं होगा। तो अब इसमें हम डाल देंगे कदम की चटनी, और आप इस जगह नींबू भी डाल सकते हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे चने का बेसन। तो सभी चीजों को हम एक में मिक्स करेंगे, उसके बाद जो इसमें आवश्यकता पड़ेगी तब इसमें हम जो है पानी डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। और दोस्तों अभी इसमें हमने दही नहीं डाला हुआ है, अभी हम थोड़ा सा दही भी इसमें डालेंगे। तो सभी चीजों को हमने एक में मिक्स कर दिया है, तो आप इस जगह पानी से भी इसे गूंथ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने दही लिया हुआ है 1 पाव, जितना आवश्यकता पड़ेगा उतना हम दही डालेंगे ताकि हमारा पकौड़ा जो है खाने में काफी मुलायम और सॉफ्ट बने। तो इसमें हम डाल देंगे दही, तो एक साथ में दही नहीं डालेंगे, जितना आवश्यकता पड़ेगा उतना ही डालेंगे हम। दही डालने से पकौड़ी बहुत ही टेस्टी लगता है अरबी के पत्ते में, ऐसी खुजलाहट बिल्कुल नहीं होती है। तो थोड़ा सा दही इसमें और डाल देंगे। तो टोटल इसमें हमने 1 पाव दही डाल दिया। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो इसे हमने बहुत ही अच्छे से गूथ लिया है पकौड़ी बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम आग को जलाएंगे और इसे हम इसी तरह छोड़ देंगे। आग को हमने जला लिया है, हाथ को हमने धो लिया है, कढ़ाई को हम रख देंगे चूल्हे पर। कढ़ाई में हम डाल देंगे रिफाइन ऑयल, तेल को हम गर्म कर लेंगे। तो अब हम पकौड़ी बनाना शुरू करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। और दोस्तों, अगर आप हमारे पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो पकौड़ी को हम दूसरे तरफ पलट देंगे और पकौड़ी को हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है तेल में। तो पकौड़ी हमारी जो है सुनहरा गोल्डन ब्राउन हो गया, सब पास से देख लीजिए बहुत ही क्रिस्पी हमारा जो है पकौड़ी बना हुआ है। इसमें हम दही डाले हुए हैं तो काफ़ी अच्छा हमारा पकौड़ी खाने में आएगा, मुलायम आएगा, काफ़ी सॉफ्ट बना है। तो इसे हम एक बर्तन में रख देते हैं। तो इसी तरह हम बाकी की और पकौड़ी बनाकर रखेंगे। तो गर्मा गर्म पकौड़ी हमारा बनकर तैयार है। इसे हम एक बाउल में सर्व कर देंगे। तो आप सब देख सकते हैं कितना क्रिस्पी हमारा जो है पकौड़ी बना हुआ है। अरबी के पत्ते के पकौड़े बनकर तैयार हैं, कदम की चटनी बनकर तैयार है। तो आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी जो है कदम की चटनी, अरबी के पत्ते के पकौड़े बने हुए हैं। काफी अच्छा बना है, काफी टेस्टी है, खाने में काफी स्वादिष्ट होगी और सेहत के काफी फायदेमंद है हमारा पकौड़ी और कदम की चटनी। अरबी के पत्ते के पकौड़े और कदम की चटनी हमारी बनकर तैयार है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।